Hello student, today we are discussing about the chemical reaction and equations. इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि characteristics of chemical reaction, उस chemical reaction के characteristics क्या है. उसके बाद हमने पढ़ा कि how balance a chemical equation. Now today we are discussing about the types of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइंड करना. इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं. दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू atoms or molecules combine together to form a single compound, है ना. For example, इसको कैसे, इसका form कैसे होगा, A एक compound है, B दूसरा compound है, ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा, A B, है ना. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक compound A है, दूसरा compound B है, और जो product बनेगा वो A B होगा. Such type of reaction is known as combination reaction, right? अब हम लोग इसके example देखेंगे. Mg plus O2 क्या होगा, twice MgO. This is a form of chemical reaction. When a magnesium burns in air, it forms magnesium oxide, right? उसी तरह से और example लेते हैं हम लोग, जैसे H2 प्लस ओ टू क्या बनेगा भाई, ट्वाइस एच टू ओ. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड करके मिल करके क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है. सो दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर कंपाउंड्स combine together to form a single compound, ठीक है, okay. Next type है हम लोगों का decomposition reaction. decomposition reaction जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, decomposition का मतलब breaking down, है ना. It is opposite of combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, कि दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, और इसमें क्या होगा, एक सिंगल कंपाउंड स्प्लिट होकर के दो या दो से अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, राइट. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कई टाइप के होते हैं. तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, थर्मल मीन्स हीट, डिकम्पोजिशन है ब्रेक डाउन. दैट मीन्स दोज रिएक्शंस इन विच अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड स्प्लिट्स विद द हेल्प ऑफ क्या, थर्मल, दैट इज एनर्जी और हीट. वी कैन से व्हेन अ सिंगल कंपाउंड इज स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स विद द एक्शन ऑफ हीट और इन प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है. तो यहां पर एक एग्जांपल देते हैं इसका. फॉर एग्जांपल CaCO3 क्या है भाई, ये लाइमस्टोन है. लाइमस्टोन को अगर हम हाई हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करें, देन इट स्प्लिट्स इन टू लाइम प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट. यहां पर हमने देखा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट एक मॉलिक्यूल है जिसको कि हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं. इसको अगर हम ज्यादा हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, देन इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नॉन एज क्विक लाइम,
एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये पेपर में आया हुआ है बोर्ड में, वो है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या नाम है भाई इसका? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे, है ना, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये बनाएगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, 2 यहाँ लगा दीजिए आप, Pb 2 यहाँ लग जाएगा, N यहाँ हो गया 4, है ना, 2 जा 4 हो गया N, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे और ऑक्सीजन बैलेंस है शायद, देखते हैं, 3 जा 6 जा 12, यहाँ 2 और 8 10 और 2 12, इसका मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे पूछेगा व्हाट हैपेंड व्हेन लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको लैंग्वेज में लिखेंगे, व्हेन लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड इट गिव्स लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड NO2, राइट। अब एक और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम हीट करें, देन इट स्प्लिट्स इनटू पोटेशियम क्लोराइड KClO प्लस O2। अब यहाँ पर हम लोग बैलेंस कर देंगे, यहाँ 3 लगाते हैं और ये 2 लगाएंगे तो 3 2 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 तो 2 KCl, ठीक है जी। बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन अमंग द ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थर्मल डिकम्पोजिशन बताया, इट इज अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक मिलकर के सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही कंपाउंड स्प्लिट करके ब्रेक डाउन होकर के कई मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई टाइप के होते हैं, उसमें फर्स्ट रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच अ मॉलिक्यूल इज स्प्लिट्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखा कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट हीट, अगर इसको स्ट्रांगली हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनाएगा। पोटेशियम क्लोराइड को अगर हीट करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनेगा। ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन था। उसके बाद हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, फोटोलाइसिस। व्हाट इज मीन बाय फोटोलाइसिस? फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। दैट मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अगर सिल्वर क्लोराइड, ये है सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज अगर कर दें सनलाइट में तो क्या होगा, सनलाइट में एक्सपोज कर दें तो ये बनता है Ag+Cl2। इसका यूज फोटोग्राफी में होता है, फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट स्पेशली फोटोग्राफ जो बनता है उसमें इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एक एग्जांपल AgBr, है ना, तो ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या देगा, 2Ag+Br2, ठीक है। तो ये तो था फोटोलाइसिस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट था डिकम्पोजिशन बाय हीट, जिसको कि हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। दूसरा इक्वेशन है फोटोलाइसिस
द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड और स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड इन टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस। और थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ अ कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई कंपाउंड है उसको स्प्लिट करने के लिए हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर। वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो देन इट स्प्लिट्स इनटू H2 प्लस O2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइसिस। ये तीन पार्ट्स थे किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। फर्स्ट हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब तीसरा पढ़ेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स और एलिमेंट्स फ्रॉम द कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लिख लेते हैं, फॉर्म ऑफ इक्वेशन ए बी है मान लिया और इसको सी से रिएक्शन कराते हैं। अगर ए से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाए सी, यानी इफ सी इज मोर रिएक्टिव देन ए, तो क्या करेगा, ए को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और ये सी आ जाएगा यहाँ पर और बी को यानी ए को अलग कर देगा। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से देखिए, अब मान लिया कोई कंपाउंड ए बी है और कोई एलिमेंट है या कंपाउंड है सी। अब यहाँ क्या करेगा, अगर सी ज़्यादा रिएक्टिव है ए से तो सी क्या करेगा, ए को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स कंपाउंड और खुद इससे रिएक्शन कर लेगा बी से। ठीक है, तो हम लोग इसके डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound। ठीक है ना, are known as displacement reaction। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे CuSO4। हम लोग जानते हैं कि CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, इसका कलर है ब्लू। कॉपर सल्फेट स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो सॉल्यूशन है कंपाउंड के सॉल्यूशन है उसके कलर को भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि कलर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जैसे कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। इसमें हमने जिंक को डाल दिया, जिंक ग्रैनुल्स या जिंक के टुकड़े को डाल दिया। जिंक का जो कलर होता है वो होता है सिल्वरी वाइट, बिल्कुल वाइट नहीं होता, सिल्वर कलर का, तो सिल्वरी वाइट होता है। चलिए हमने लिख दिया सिल्वरी वाइट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट एंड फॉर्म जिंक सल्फेट। आप देखोगे कि अगर एक टेस्ट ट्यूब ले लिया,
टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया तो ब्लू कलर दिखाई देगा। ब्लू कलर में हमने क्या डाल दिया, जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए, तो उसका कलर जो है सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे ब्लू कलर खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा कलरलेस, कलरलेस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉपर। तो आप देखोगे कि जिंक के टुकड़े के ऊपर कॉपर क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, ये डिपॉजिट हो जाता है जिंक के ऊपर। एवरेज में तो यहां पर हम लोगों ने देखा क्या, सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कॉपर का ही, कॉपर सल्फेट, ठीक है। यहां पर हमने ले लिया Mg, क्या है, मैग्नीशियम। यहां भी कलर क्या होगा, ब्लू होगा, इसका भी मैग्नीशियम का भी कलर जिंक के कलर का ही होता है, सिल्वरी व्हाइट। तो ये चूंकि मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा MgSO4 प्लस CO, है ना। तो यहां पर हमने देखा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होना चाहिए, ये मेटल जो है एक मोर रिएक्टिव, दूसरा लेस रिएक्टिव। मेटल नहीं कहेंगे क्योंकि नॉन मेटल में भी होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर हम लोगों ने देखा कि कॉपर से ज्यादा रिएक्शन रिएक्टिव अगर जिंक है तो जाकर के ये रिएक्शन संभव है, लेकिन अगर हम बोलें कि भाई क्या होगा, जिंक सल्फेट को और कॉपर से रिएक्शन कराए तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। अब बात आती है कि हाउ वी कैन से वन एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन द अदर, हम कैसे जानेंगे, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, एक टेबल टेबुलर फॉर्म में होता है, इसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।